अरे दया, चाय ला। आज तैयार होने में क्यों देर हो गई? जवाब दो बेटा। बापूजी कुछ पूछ रहा है? दादाजी ने आपको पूछा पापा। ओ अच्छा, मुझे? हाँ तुझे। वो दया की वजह से बापूजी, वो बाथरूम में कपड़े धोने बैठ गई, उसमें। उसमें क्या? तू भी बाथरूम में कपड़े धोने बैठ गया था? बाबूजी आप समझे नहीं। हाँ तो समझा। वो बाथरूम बिजी हो गया था ना, तो जब तक दया कपड़े धो के बाहर नहीं आती, मैं अंदर नहाने कैसे जा सकता हूँ? तो दया की वजह से लेट हो गया। टप्पू के पापा, अब मेरी वजह से लेट हुआ? तो लेकिन मैं कपड़े धोकर बाथरूम में से बाहर निकली तभी तो आप जागे। तो आप लेट जागे इसलिए लेट हुए, अब मेरी वजह से लेट नहीं हुए। इसीलिए पापा रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। ए डॉट डाया, टप्पू डॉट डाया नहीं है, बहुत डाया है। कम उम्र में कितना ज्ञान है, नहीं बाबूजी? चल चल अबे, दिन ब दिन पेड़ की तरह फैलते जा रहा है, आलसी कहीं का। मैं कहाँ फैल रहा हूँ बापूजी? अच्छा ये देख तेरा पेट देख। सांस छोड़, छोड़। अब देखा ये तेरा पेट कहाँ से फैल रहा है, फूल रहा है और फूट रहा है? वो ये दया बापूजी। दया, अरे ये बटन ढीला हो गया था तो चेक करना चाहिए ना, दो तीन टाका मार के टाइट कर देना चाहिए। देख टूट गया बटन अभी। ए भाई ये शर्ट का बटन ढीला नहीं था, ये तेरा पेट इतना बढ़ गया है कि बेचारा बटन उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। बापूजी मेरा पेट नहीं बढ़ा है, शर्ट टाइट हो गया है। कैसे? कबट में पड़े पड़े शर्ट अपने आप टाइट हो गया? क्या होता है बापूजी, कुछ कुछ शर्ट का कपड़ा होता है ना बापूजी, वो धोने के बाद सिकुड़ जाता है। नहीं दिया? हाँ। देखे। लेकिन टप्पू के पापा ये शर्ट का कपड़ा तो ऐसा नहीं है, ये शर्ट तो आपने पहले भी कई बार पहना है, तब तो आपको बराबर हो रहा था, लेकिन अभी ये शर्ट आपको अटैच हो रहा है, मतलब नक्की आपका वजन बढ़ गया है। अरे भाई वजन वजन कुछ नहीं बढ़ा है। एक मिनट पापा। आइए इसमें खड़े रहिए। चल सोच क्या रहे, चल ऊपर खड़े रहे। संभल गया। अरे भाई पहाड़ नहीं चढ़ना है क्या, हाथ क्या दे रही है मुझे? चल चल चल। हाँ आप भूत तो निकालो बापूजी। हाँ जल्दी से मिठाई ला और जेठिया को खिला ताकि इसका वजन 100 किलो हो जाए, है? तो हम इसका सम्मान कर सकते हैं। गड़ा खानदान का पहला वजन वीर। है ना बापूजी, कुछ तो गड़बड़ है, मेरा वजन 100 किलो कैसे हो सकता है? या टप्पू ने कुछ जरूर मस्ती किया बापूजी। हाँ ये देखिए काटा 0 पे नहीं है बापूजी, ये देख। 0 कर, 0 कर। अब खड़े चल, अब खड़ा रहे।
अब देखो वजन। ए तू नहीं, दया तू देख। 90 किलो वजन है। देखा देखा बापूजी, 90 किलो मतलब 99 नहीं है, 90, सिर्फ 90 किलो है। हाँ लेकिन 90 किलो भी कम थोड़ी है टप्पू के पापा। पापा टीचर और डॉक्टर कहते हैं ज्यादा वजन बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रण देता है। टप्पू के पापा अब तो आपकी सेहत का मामला है, अब तो आपको वजन कम करना ही पड़ेगा। अरे भाई वजन कोई सर की टोपी थोड़ी है कि तू बोले उतार दे तो उतार दूं। ए जेठिया बहू सही कह रही है, तुझे वजन कम करना ही होगा। ठीक है बापू जी, कर लूंगा वजन कम कर लूंगा। लेकिन सुन, एक महीने में कम से कम 10 किलो वजन कम होना चाहिए। बापू जी एक महीने में 10 किलो नामुमकिन है। अरे पापा हो जाएगा, स्विमिंग कीजिए, जिम जाइए। अरे क्या, हाँ दया सोने को टाइम मिलता नहीं है, कसरत करने कहाँ जाऊं? तो आप रोज मेरे साथ 1 घंटा गरबा खेलिए। टाइम कहाँ है, है? सुबह उठता हूँ, दुकान जाता हूँ, वापस दुकान से देर रात को आता हूँ, खाना खाता हूँ, सो जाता हूँ, फिर से दूसरे दिन दुकान जाता हूँ। टाइम कहाँ है, कभी खेलो गरबा। आइडिया, मैं भी आपको अंजलि भाभी की तरह उबली हुई सब्जी, करेले का जूस ऐसा सब खिलाऊंगी पिलाऊंगी। अरे एक सिर्फ खाने का सुख है मुझे, वो भी तो मुझसे छीनना चाहती है दया। पापा आप योगा कीजिए। ए ज्ञानी टाइम कहाँ है मेरे पास, बोला तो सही एक बार। टाइम नहीं है ना तेरे पास? नहीं कोई बात नहीं, मैं एक रास्ता बताता हूँ। अब से तू रोज दुकान चल कर जाएगा। बापू जी। और सुन भाई, तू घर से दुकान चलकर जाएगा ही नहीं, दुकान से घर भी चलकर ही आएगा। सॉरी बापू जी, लेकिन दुकान आना जाना दोनों चलकर कैसे हो सकता है? वो मैं तेरे साथ चलकर आऊंगा और तुझे सिखाऊंगा। बापू जी यहाँ से दुकान कितनी दूर है, रोज ऐसे चल के आऊंगा जाऊंगा तो मेरे पैर में गोठले चढ़ जाएंगे। पापा शुरुआत में थोड़ी तकलीफ होगी, बाद में आदत पड़ जाएगी। सर्वगुण संपन्न ज्ञानी शांति रख। तू शांत रह। ओ बापू जी, अब से तू रोज घर से दुकान और दुकान से घर चलकर जाएगा और चलकर ही आएगा, बस समझा।